हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा वीडियो है द ऑल न्यू टोयोटा ग्लैंजा 2022 टॉप मॉडल का। अगर हम इसके फ्रंट लुक्स की बात करते हैं तो आपको कैमरे इंस्पायर यहाँ पे डिज़ाइन गाड़ी में दिया गया है। अगर हम गाड़ी के फ्रंट हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे LED प्रोजेक्टर का यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है विद LED डीआरएल्स। नीचे की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे LED फोग लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी ग्रिल की बात करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश यहाँ पे ग्रिल देखने को मिल जाती है। जो नीचे का आपको क्रोम का पार्ट दिख रहा है वो आपका एज एसेसरी पार्ट है। आप देख लो यहाँ पे काफ़ी शानदार गाड़ी का फ्रंट लुक्स निखर के आता है। वहीं पे अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड प्रोफाइल में टायर सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 195/55 R16 इंचज़ के टायर देखने को मिलते हैं। जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टाइलिश नज़र आता है। आपको जो ORVM है वो आपको यहाँ पे बॉडी कलर देखने को मिलता है विद इंडिकेटर। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। जो आप यहाँ पे क्रोम देख रहे हैं वो भी आपका ऐसे एसेसरी पार्ट है। अगर हम गाड़ी के डायमेंशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो लेंथ है 3990 mm, जो आपको गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है 170 mm, और जो आपको कर्व वेट देखने को मिलता है 955 kg। वहीं पर अगर हम इसके सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो सेफ्टी के लिए आपको गाड़ी में 2 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम इसके ब्रेकिंग फीचर्स की बात करते हैं तो आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी ब्रेकिंग पावर को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। तो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसके टेल लाइट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे फुल LED सेटअप देखने को मिल जाता है। जो इसका टेल लाइट का डिज़ाइन है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्टाइलिश नज़र आता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, और आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। जो आपका ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं ये भी आपका यहाँ पे एसेसरीज़ का पार्ट है। ग्लैंजा की बैजिंग देख सकते हैं सेंटर में टोयोटा का लोगो, और आपको उसी के ऊपर यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको वाइपर, डिफॉगर, ये सब फीचर भी आपको यहाँ पर गाड़ी में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर ओवरऑल द लुक रियर का चेक कर सकते हैं। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी के अंदर के फीचर्स के बारे में बताते हैं। भैया अभी हम आ चुके हैं टोयोटा ग्लैंजा गाड़ी के अंदर, जो कि इसका वी वेरिएंट है। सबसे पहले अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। आपको इसमें जो हाईलाइट फीचर है, जो आपको बलिनो और उसके ग्लैंजा के कंपेरिजन में जो आपको मिलता है, इसमें आपको डुअल कलर का इंटीरियर देखने को मिलता है। ये आपका ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपका बीज कलर की यहाँ पर प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और इसमें भी आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिशिंग का यूज़ देखने को मिलेगा। उस टाइप का टेक्सचर है, लेकिन ये आपको यहाँ पे स्मूथ ग्लॉस फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। जो आपको यहाँ पे गाड़ी में डोर ओपनर देखने को मिलता है वो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लेदर फिनिशिंग का यूज़ देखने को मिलेगा, ये भी पार्ट आपको यहाँ पे लेदर ही है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बोतल होल्डर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें तो आपको ये HUD के कंट्रोल्स हैं, ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के, ये आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए ऑटोमेटिक के लिए आपको यहाँ पे स्विच है, जो आप जिससे आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी पावर ऑन ऑफ हो जाती है। और इसकी बात करते हैं तो आपका जो टैकोमीटर वो आपको यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको यहाँ पे MID की प्लेसमेंट दी गई है, जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सभी फीचर आपको यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल टू एम्प्टी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सभी फीचर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको HUD की आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके आप यहाँ से हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जो इसका टच स्क्रीन का पार्ट है आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग के साथ दिया गया है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और 360 डिग्री कैमरे, ये सब फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग का यूज़ देखने को मिलता है AC के सराउंडिंग, जो ये गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम बना देते हैं। यहाँ पे आपको AC के लिए सेपरेट डिस्प्ले दी गई है। आपको गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे AC के जो कंट्रोल्स हैं वे भी काफ़ी यूनिक गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको यहाँ पे USB पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फ़ोन रखने के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। ये आपको यहाँ पे इस टाइप की गाड़ी की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और इससे भी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक मिनट, इसका देख लो, आपको यहाँ पे इस टाइप का ये इसमें देखने को मिलेगी टच स्क्रीन, जो कि काफ़ी एक्चुअली गाड़ी को प्रीमियम बना देती है। इसमें आपको इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का फीचर देखने को मिलेगा, या आपके वॉल्यूम अप डाउन के की कॉल म्यूट करने का, आपके वॉइस कमांडर, ये सब आप यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे की भी क्लियरिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये आपकी MID है, इसके कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप के आपको यहाँ पे की दी गई है। अगर हम इसकी HUD की बात करते हैं तो आपको एक्चुअली स्टार्ट करने के बाद ही आपकी गाड़ी ऑन होगी। तो HUD, तो एक मिनट मैं इसको ऑन करके आपको गाड़ी में यहाँ पे दिखा देता हूँ।
3 सेकंड के लिए एचयूडी का स्विच ऑन करके रखते हैं तब आपकी ऑन हो जाती है। देख लो आपके इस टाइप के यहाँ पे एचयूडी दी गई है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। और ऑल ओवर द अदर थिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें यहाँ पे ग्लव बॉक्स का साइज़ ये भी आपको डिसेंट अमाउंट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो आपकी सीटें हैं ये भी आपको यहाँ पे डोल कलर ट्रीटमेंट के साथ दी गई है। जो सीटों का कम्फर्ट वो भी काफ़ी यहाँ पे लाजवाब दिया गया है। जो आपको मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पे 5 स्पीड वाला देखने को मिलेगा। इसी का सराउंडिंग यहाँ पर भी आपको ये टेक्सचर के साथ देखने को मिल जाता है। नॉर्मल रेस्ट की बात करें इसका जो साइज है वो आपको स्मॉल दिया गया है जो कि आपका यहाँ पे एडजस्टेबल फीचर के साथ भी आता है। अगर हम इसकी को ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको मिरर विद लाइट देखने को मिलेगी। सेंटर में आपको यहाँ पे येलो लाइटिंग की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे भी आपको लाइटिंग प्लस मिरर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। जो आप गाड़ी में यहाँ पे कर्टेंस देख रहे हो आपका एसेसरीज का पार्ट है। अगर आप लगवाना चाहें तो यहाँ पे लगवा सकते हैं। ये आपका टॉप मॉडल यहाँ पे वेरिएंट है गाड़ी का। ये जो ट्विटर की प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाती है। तो जो इसका मिरर है वो आपको डे नाइट IRVM के साथ यहाँ पे मिलता है, डे नाइट फंक्शन के साथ जो कि ऑटोमेटिक है। तो यही था भाई इसका फ्रंट ऑल ओवर द लुक। आप चेक कर सकते हैं जो टोयोटा की बैजिंग वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल जाती है। तो अब मैं ड्राइवर साइड सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और आपको गाड़ी के पीछे चल के बताते हैं आपको कैसा क्या कुछ इसमें स्पेस दिया गया है। रियर डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसमें बोतल होल्डर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। जो आपको यहाँ पे ग्लेंजर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है ये भी आपका गाड़ी में एसेसरीज का पार्ट है। अगर हम गाड़ी में रियर स्पेस और कंफर्ट की बात करते हैं तो हमें कंफर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू होने वाला नहीं है। काफ़ी कम्फर्टेबल आपके यहाँ पे गाड़ी की सीटें हैं। देख लो मुझे कितना अच्छा यहाँ पे लेग रूम देखने को मिलेगा। अगर हम हेड रूम की बात करते हैं वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो इसमें यहाँ पे सेंटर में आपको यहाँ पे लाइटिंग की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दो यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने की भी यहाँ पे जगह दी गई है। जो सेंटर में आपको हम मिलता है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे ऊँचा है जिससे मिडिल पैसेंजर को बैठने में यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जो इसके मैट है देख रहे हैं आप ये भी इसमें एसेसरीज का पार्ट है। ये गाड़ी आपको फुली एसेसरीज लोडेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रियर की बात करते हैं तो रियर में आपको यहाँ पे पर्सनल ट्रे देखने को मिल जाती है। ये आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। सेंटर में आपको इसके कोई भी वेरिएंट में यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट पॉइंट भी यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं। ये जो आप गाड़ी का यहाँ पे हुक देख रहे हैं ये आपका काफ़ी यूज़फुल फीचर है। ये आपका 60-40 स्प्लिट सीट के लिए है जिसकी मदद से आप अपने गाड़ी के बूट स्पेस को काफ़ी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। रियर की सीट से आप फ्रंट डैशबोर्ड का ओवरऑल द यहाँ पे लुक चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस टाइप का लुक देखने को मिल जाएगा। एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ पर भी गाड़ी में देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब गाड़ी के लास्ट वहाँ पे चलते हैं बूट स्पेस में और आपको वहाँ पे चल के बूट स्पेस के बारे में बताते हैं आपको कितना इसमें बूट स्पेस गाड़ी में ऑफर किया गया है। अगर हम गाड़ी के यहाँ पे बूट स्पेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 337 लीटर का यहाँ पे बड़ा सा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो बूट मैट देख रहे हैं ये भी आपका एज एसेसरी पार्ट है। ये आपको यहाँ पे जैक और आपका ये सब टूल देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 185/65 R15 inches का टायर देखने को मिलता है जो कि आपका स्टॉक टायर से 1 inch कम है। इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप अपने बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। जो आपका एक कर्टन देख रहे हैं ये भी आपका एज एसेसरी पार्ट है। तो चलिए अब गाड़ी के बूट को क्लोज करते हैं और आपको इसके अदर फीचर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम गाड़ी के यहाँ पे कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको गाड़ी यहाँ पे टोटल 5 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है जो कि है आपका इंस्टा ब्लू, स्पोर्टिंग रेड, गेमिंग ग्रे, सिल्वर और कैफे वाइट। ये सब आपको यहाँ पे 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 valve V6 टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है जो कि आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 88 BHP की। और जो आपको गाड़ी से टॉर्क देखने को मिलता है 113 Nm। वहीं पे अगर हम इसकी माइलेज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 22 KMPL की माइलेज देखने को मिलती है। ड्राइविंग रेंज की बात करें तो आपको यहाँ पे 827 किलोमीटर की गाड़ी की ड्राइविंग रेंज देखने को मिल जाती है। गाड़ी की अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको जो गाड़ी ऑन रोड प्राइस हरियाणा में देखने को मिलेगी 10,70,000 रुपये।
यहीं तक था हमारा टोयोटा ग्लांजा 2022 वी वेरिएंट का रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका वीडियो या गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपके लिए इस चैनल पर बहुत सी गाड़ियों का रिव्यू किया है, जैसे टाटा एल्ट्रोज, i20, ग्लांजा का बेस मॉडल और आपका बलेनो। उन्हें भी आप चैनल पर जाकर जरूर चेक करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।